अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा। टुडे वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इसके अंदर इसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे इस आज के टॉपिक में। फर्स्टली हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि इसकी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि व्हाई वी विल यूज़ दिस मेथड, कि हम इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं या ये मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेथड है, इसमें हम एलिमेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सैंपल है, उसमें अगर मेटल मेटलाइट को डिटेक्ट करना है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में ये इजीली हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही वर्सेटाइल मेथड है, बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 60-70 एलिमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही रिलायबल है और सिंपल टू यूज़ है। इसमें मेटल और नॉन मेटल को एनालाइज करने में जो कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है, हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास एक पेट्रोल है, अब हमने उसमें लेड की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि पेट्रोल में लेड की कंसंट्रेशन क्या है। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री है, इसे कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। ये 1954 से 1955 के ईयर के अंदर ये कंप्लीट हो गया था, यह इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। इसे बनाया था अलान वॉल्स साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं प्रिंसिपल, या इसका मैन्युफैक्चर क्या है। यहाँ पे ये कि हमारे पास जो एक सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको अब हम हीट कर रहे हैं, उसको हम हीट करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट करता है। जो हम इसको हीट करते हैं, या तो वो उसको हम एटोमाइज़र में हीट कर रहे हैं, एटोमाइज़र के ज़रिए कर रहे हैं, या तो उसको हम फ्लेम पे कर रहे हैं। एटोमाइज़र जो है वो एक ऐसा, या एटोमाइज़र इज़ यूज टू वेपोरेटेड द सैम्पल एंड कन्वर्ट आर सैम्पल इन टू द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मीन्स के जो एटोमाइज़र है वो हमारे सैम्पल को इवेपोरेट करता है, और जो हमारा सैम्पल होता है उसे वेपर्स में चेंज कर देता है। अगर सिंपली अगर हम इसको हीट करते हैं, हमारा सॉल्यूशन साल्ट का जो साल्ट सॉल्यूशन है उसको हम फ्लेम पर करते हैं, तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वेपोराइज हो जाता है, और जो उसके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं, या वेपर और जो पार्टिकल है जब हम इनको फर्दर हीट करते हैं तो ये गैशियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं ये डिसोसिएट होते हैं एटम्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें टू स्टेट में हमें ये एटम्स मिल रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में और अनएक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में। तो जो एक्साइटेड स्टेट में एटम होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री में, और जो अनएक्साइटेड स्टेट में मीन्स हमारा तो यहाँ पे टॉपिक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। तो मीन्स के जो ग्राउंड स्टेट या अनएक्साइटेड स्टेट में जो एटम होते हैं वो अब्जॉर्व करते हैं, या उसके रेडिएशन अब्जॉर्व करती हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनएक्साइटेड स्टेट में जो एटम है वो रेडिएशन को अब्जॉर्व करते हैं, और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो उस रेडिएशन के साथ कंसर्ट करेगी जो अनएक्साइटेड स्टेट की एटम के या जो ग्राउंड स्टेट में एटम है उसको अब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट इसमें अगर ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि वी कैन एनालाइज सिंगल एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट आल्सो, बिकॉज इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज फिक्स्ड दैट इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमारा मेन एडवांटेज भी इसे हम कह सकते हैं, इसको हम मेन बेनिफिट भी कह सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि ये कि अगर यहाँ पे हम दूसरे एलिमेंट की मौजूदगी के साथ या उसकी प्रेजेंस के बावजूद हम सिंगल एलिमेंट को एनालाइज इजीली कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सोडियम है, उसकी वेवलेंथ है 589। इनफैक्ट मतलब सोडियम सोल्यूशन के अंदर हमें एलिमेंट है, लेकिन वहाँ पर और भी एलिमेंट ज़ाहिर ही पाते होंगे, डेफिनेटली होंगे, कैल्शियम, गोल्ड, कॉपर, एनीथिंग, जो भी कोई एलिमेंट उसके साथ होगा। लेकिन जो हमारा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है, या जो हमारा जो मेथड है, या जो हमारा प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को डिटेक्ट करेगा या एनालाइज करेगा, और वो होगा सोडियम, जिसकी वेवलेंथ हमने स्पेसिफाइड कर दी थी कि 589 है। नेक्स्ट इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं इस प्रोसेस का। ये वही है जैसे कि अब जो सॉल्वेंट है वो फर्स्ट इवेपोरेट कर देता है सॉलिड पार्टिकल्स को छोड़कर,
सेकंड में जो है जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लेम की तरफ मूव करते हैं और गैशियस स्टेट या गैशियस एटम और आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं. सम ऑफ द एटम अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड एक्साइटेड टू हाई एनर्जी. और जो कुछ आयंस होते हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी में एक्साइट कर देते हैं. रिमेनिंग आयंस विल बी एक्साइटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स और जो बाकी बच जाते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स में बच जाते हैं. सो द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड. The decrease in intensity of transmitted light is related to the concentration the unexcited atom. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है वो लैम्बर्ट बियर लॉ को फॉलो करती है. तो जैसे हर एलिमेंट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है अपने बरबूते पे, सो द सेपरेशन सोर्स ऑफ रेडिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट. यहाँ पे हमें इसकी इक्वेशन मिलती है log I d over L naught is equal to k n l naught. अब यहाँ पे जो l naught है वो represent करता है intensity of radiation incident को, i t represent करता है intensity of radiation transmitted को, k represent करता है constant को, जो l है वो path length of flame है जो centimeter में हमें मिलती है, और n naught है वो number of atom है जो ground state में हमारे पास मौजूद होते हैं. Oh, that is the end of my lecture. Thank you so much to listening me.